हाय गाइस, आई एम शांत, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 10 कंपनीज एंड उसके बाद बोनस कुछ और HFTs के बारे में बताएंगे जो टॉप पैकेजेस दे रही हैं आज के टाइम पे SG1 को। इफ़ यू आर लाइक जॉइनिंग दीज कंपनीज तो कितना पैकेज मिलने वाला है, क्या बेस सैलरी होगी, क्या स्टॉक्स होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट टॉप 10 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज MNCs जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन रहे होंगे। इसके अलावा कुछ HFTs के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे मोस्टली क्वांट रोल होते हैं, कुछ थोड़े डेवलपर रोल्स भी होते हैं, बट वील बी टॉकिंग अबाउट द सैलरीज ऑफ दोज कंपनीज एज वेल कि अगर आप एक IIT में या फिर एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो तो हो सकता है कि यू कैन गेट अ चांस टू जॉइन दीज कंपनीज। बट उसके अलावा जो 10 कंपनीज है वो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों हायर कर रहे होते हैं, तो दोनों तरीके से आपके पास चांस है ज्वाइन करने का। सो इफ यू डोंट नो अबाउट AlgoPrep, हमने AlgoPrep स्टार्ट किया था लास्ट टू लास्ट मंथ एंड वी हैव स्टार्टेड आर फर्स्ट SG इंटरव्यू प्रेप बैच। अभी उसकी एनरोलमेंट्स ओपन है, दे विल बी ओपन टिल नेक्स्ट मंडे, ठीक है, 30th तक हम ओपन रखेंगे। 30th के बाद फर्स्ट जो मंडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ का, उससे हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम बेसिक जावा पढ़ रहे थे, तो अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन टिल 30th, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे एनरोलमेंट्स। एंड या, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं 5000 लाइक्स एंड ऐसी ही आपको स्टार्टअप वाली वीडियो चाहिए जिसमें हम टॉप 15 टॉप पेइंग स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे इंडिया में, तो जल्दी से स्टार्टअप नीचे कमेंट्स में डाल देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बेसिक जो डेफिनेशंस होते हैं कुछ कुछ चीज़ों की जो आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझ आएगा एग्जैक्टली जो CTC है वो होता क्या है। अब CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, बट इफ़ यू आर न्यू तो आपको जानना पड़ेगा कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प से आप आगे जंप कर सकते हैं, बट सुन लेना इफ यू आर न्यू, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो कि 48 LP वाला तो पैकेज मिल रहा है तो मतलब हर महीने हमारे पास 4 लाख रुपए आ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। सो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं यार, जो कंपनीज आपको बड़े बड़े पैकेजेस बताते हैं जनरली वो CTC बताती हैं। CTC में वो RSUs भी ऐड कर देती हैं जो कि जनरली 3 से 4 साल के होते हैं, बट जब आप एक्चुअली फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करते हो जो टोटल कंपनसेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली, बिकॉज वहाँ पे 3 साल के जो स्टॉक्स होते हैं वो हट जाते हैं। मिल तो आपको रहे हैं बट वो फर्स्ट ईयर में नहीं मिलते, फर्स्ट ईयर में बस आपके नाम पे एलोकेट हो जाते हैं, आपको हर ईयर मिल रहे होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये बेसिक सबको थोड़ा सा डाउट होगा कि अगर 48 लाख 50 लाख का पैकेज है तो डिवाइड बाई 12 कर लेता हूँ इतना मेरे पास इन हैंड आ रहा होगा, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता। सबसे पहली चीज़ होती है बेस सैलरी, जो बेस कंपोनेंट होता है वो डिवाइडेड बाई 12 आपके अकाउंट में हर मंथ आ रहा होता है। बेस सैलरी की जो रेंज होती है जनरली इन कंपनीज में मैं बता रहा हूँगा वो अराउंड 15 LPA से 25-30 LPA तक जा रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो तुम्हारा बोनसेस होता है। अब बोनसेस में क्या होता है जनरली यार, कि आपको एक रिलोकेशन बोनस मिलता है कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनीज में जॉइनिंग बोनस मिलता है, कुछ में परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जॉइनिंग बोनस 1 टाइम होता है, ठीक है, कुछ कंपनीज में 2 साल तक मिल रहा होता है, फर्स्ट मंथ में एंड 13th मंथ में, एंड कुछ कंपनीज में लाइक सैलरी के साथ ऐड होकर आता रहता है जैसे Amazon में, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो थर्ड होता है वो रिलोकेशन बोनस होता है कि आप बाय चांस एक सिटी ए में रह रहे हैं, मतलब दिल्ली पंजाब में कोई सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश की सिटी में रह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं रिलोकेट करके भाई तुम आ जाओ बैंगलोर या हैदराबाद, तो कंपनी आपको रिलोकेशन के पैसे देंगी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। आपके ऊपर होता है कि कौन सी चीज़ आपको लेनी है। सर्विसेज में आपको स्टे वगैरह दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, एंड एक महीने के लिए ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं खाना वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसी टाइम में आपको अपना फ्लैट सर्च करना होता है जहाँ पे आप रहोगे, उसके बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। आपको जो सैलरी मिल रही होती है उस पर से आपको रेंट पे करना होता है, कोई कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, तो वो आपको खुद देखना होता है, एंड इसके लिए रिलोकेशन बोनस मिलता है। लास्ट जो एक और चीज़ होती है कंपनी में, दैट इज RSUs, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जिस दिन आपने कंपनी ज्वाइन करी उसके कुछ टाइम बाद आपको एक एक्स अमाउंट के स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो भी उस दिन प्राइस चल रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे, उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके नाम पे एलोकेट हो जाएंगे, हर साल आपको मिल रहे होंगे, वो कितनी परसेंटेज में मिल रहे होंगे वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, जनरली वो 25 25 25 25 होता है, कुछ कंपनीज में ऊपर नीचे होता रहता है, वो हम आगे जाके अब डिस्कस करेंगे तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बट जनरली 1/4 1/4 मिल रहे होते हैं। जनरली जब कंपनीज कॉलेज में आती हैं फर्स्ट डे पे आने के लिए वो अपने CTCs को थोड़ा हाइप अप कर देती हैं। अब हाइप अप कैसे करती हैं, वो 4 साल के स्टॉक्स स्टार्टिंग में ऐड कर देती हैं, इस वजह से वो इन्फ्लेट होकर पैकेज 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक पहुंच जाता है एक्चुअली, बट वो इतना नहीं होता है, स्टिल इट्स वेरी गुड। 30-40 लाख का अगर तुम 21 साल की उम्र में कमा रहे हो तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मिल रहा होता है आप लोगों को, बट एग्जैक्ट वो 80-90 लाख 1 साल में नहीं मिल रहे होते। सो आई थिंक ये एक मिथ जो है सबके दिमाग में होता है वो थोड़ा सा बर्स्ट हो गया होगा। सबसे पहले जो कंपनी आती है दैट इज Atlassian। Atlassian का जो टोटल कॉम्पनसेशन इज 82 लाख रुपीज इंक्लूडिंग ऑल द स्टॉक्स। यहाँ पे आपको स्टॉक्स RSUs मिल रहे होते हैं अराउंड 60 लाख रुपीज के, विच आर डिवाइडेड इनटू 4 ईयर्स 25% ईच ईयर, तो वो 15 लाख के आसपास के स्टॉक्स आपको हर साल मिल रहे होते हैं।
सो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज योर बेस सैलरी। बेस सैलरी एक्सक्लूडिंग पीएफ एंड ग्रेच्युटी, यहाँ पे 20.8 लाख बेस होता है। इसके अलावा पीएफ भी मिल रहा होता है, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी भी मिल रही होती है, जो आपके मतलब जनरली लोग बेस कंपोनेंट में ऐड करके दिखाते हैं, इन्होंने वो पहले से एक्सक्लूड कर रखा है। इसके साथ आपको 50,000 रुपये का ज्वाइनिंग साइन इन बोनस मिल रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस होता है आपका मैक्सिमम 10% पे कैप्ड, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी लाइक 2 लाख रुपीज़। वो 0 to 10% होता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, वो आपको मिल रहा होता है। एंड इसके बाद जैसा आप काम करते हो, जनरली एटलाशन में जो SG1 to SG2 क्या कहते हैं प्रमोशन होता है, वो 1 साल से 1.5 साल के बीच में लोग प्रमोट हो जाते हैं। एटलाशन में काफ़ी फास्ट प्रमोशंस होते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब कंपनी वाइज ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है। जैसे अमेजोन में टेक्स 2.5 to 3 years मिनिमम टू गेट टू SG2 लेवल, एंड सेम इज़ द केस विद अडोबी और माइक्रोसॉफ्ट, जो भी बिग टेक्स हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बड़ी मतलब काफ़ी तेज़ नई नई चीज़ों पे आप काम कर रहे होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे होते हो। इसके साथ आपको कुछ रीइंबर्समेंट्स वगैरह भी मिल रही होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। एंड फाइनली जो फर्स्ट ईयर की कॉम्पनसेशन निकल के आती है वो दैट इज़ अराउंड 38 लाख रुपीज़। नेक्स्ट कंपनी इज अमेजोन, एंड अमेजोन बहुत ज़्यादा लोगों की ड्रीम कंपनी होती है व्हेन यू आर इन कॉलेज। अमेजोन का जो बेस सैलरी है दैट इज 19.17 लाख रुपीज़। इसके साथ आपको जॉइनिंग बोनस मिल रहा होता है अराउंड 11.5 लाख रुपये का, ठीक है। पहले साल में आपको मिल रहा होता है 6.5 लाख रुपये, अगले साल आपको 5.5 लाख के आसपास मिल रहा होता है। ये आपका सैलरी के साथ ऐड होकर आता है डिवाइड बाई 12 करके, तो टोटल आपकी जो सैलरी एकदम बन जाती है 19.17 + 16.5, अराउंड आपकी 25 लाख के आसपास बेस सैलरी का कॉम्पोनेंट बन जाता है। इसके बाद आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, वो आपको मिल रहे होते हैं अराउंड 15.5 लाख्स के, ठीक है। दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इयर्स। अब यहाँ पे जो वेस्टिंग पीरियड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिलेटेड टू अदर कंपनीज। पहले साल में आपको सिर्फ 5% स्टॉक वेस्ट हो रहे होते हैं, अगले साल में 15 हो रहे होते हैं, फिर 40-40 होते हैं थर्ड और फोर्थ ईयर में। पहले जब अमेजोन का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था 20:1 में, तो एक भी स्टॉक नहीं मिलता था 5% में। बट अब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है तो 5% में कुछ स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, एंड अगले साल 15% में थोड़े और मिल जाएंगे, अगर ज़्यादा टाइम स्टे करते हो तो और मिल जाते हैं। टोटल CTC निकल के आता है वो 46 लाख रुपीज़ के आसपास आता है। एंड जो फर्स्ट ईयर की सैलरी निकल के आती है वो 26.5 लाख्स के आसपास आती है। यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस बोनस वगैरह नहीं होता है, एंड साल के एंड में एक इंक्रीमेंट हो रहा होता है इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, एंड अगर आउट ऑफ साइकिल प्रमोट हो रहे हो तो उसका अलग सीन होता है। एंड दिस इज द लाइक टोटल कंपनसेशन ऑफ अमेजोन। अब नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अनदर ड्रीम कंपनी दैट इज गूगल। एंड ये जितने भी गूगल अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट है सबका कंपेरेबल सा ही होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एंड मतलब ये भी अब आप लोग देखोगे समझ आ जाएगा। एंड अगर आप लोगों को इन कंपनीज में जाना है, इन कंपनीज में पढ़ना है, तो वी लाइक सुबेश ने बहुत सारे स्टूडेंट को पहले पढ़ाया हुआ है, एंड ही हैज टॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो इन कंपनीज में अभी करेंटली काम कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे algotrip.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं जो जो कंपनीज में लाइक लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स हमने डाली हुई है टेस्टिमोनियल्स में, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। बिकॉज सुबेशन इज एन एक्स लाइक इंस्ट्रक्टर एट पिप कोडिंग एंड स्केलर, एंड ही इज़ एन अपकमिंग SGE एट अमेजोन बर्लिन, तो वो खुद भी अमेजोन बर्लिन ज्वाइन करने वाले हैं। सो या अब गूगल की सैलरी पे आ जाते हैं। गूगल का बेस सैलरी 18.4 लाख रुपीज़, साइनिंग बोनस मिलता है तुम्हें 1.5 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपीज़। स्टॉक्स एक्चुअली गूगल ने कम कर दिए हैं, पहले इट यूज टू गिव लाइक 40-50,000 डॉलर्स के आसपास देती थी, नाउ इट इज़ ओनली गिविंग 32.5 थाउजेंड डॉलर्स। एंड ये थोड़े ना अपवर्ड लोडेड होते हैं, फ्रंट लोडेड होते हैं। फ्रंट लोडेड का मतलब है पहले 2 साल में 33% मिल रहा होता है, उसके बाद कम मिल रहा होता है। थर्ड ईयर में 22% है, लास्ट ईयर में 12% मिल रहा होता है। जनरली ये बिल्कुल अमेजोन का ऑपोजिट है, अमेजोन में एंड में ज़्यादा मिलते हैं, पे पहले ज्यादा मिल जाते हैं। एंड इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस आपको मिल रहा होता है 15% ऑफ योर बेस सैलरी अप टू 15%, वो ऊपर नीचे हो सकता है। एंड गूगल में प्रमोशंस अराउंड 1.5 से 2 साल के बीच में होते हैं, 2.5 साल 3 साल भी लग जाते हैं लोगों को, डिपेंडिंग अगर आप लेटरल हायर तो ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप फ्रेशर आपने ज्वाइन किया है गूगल तो कंपेरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगता है। तो टोटल कॉम्पनसेशन निकल के आते हो 28.13 लाख्स के अराउंड आती है। तो नेक्स्ट कंपनी स्प्रिंकलर, शायद स्प्रिंकलर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट इट्स अ स्टार्टअप। एंड इसके बारे में मैंने भी रिसेंटली क्यूरियस स्टार पर रील बनाई थी। क्यूरियस स्टार को अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते जल्दी से जाकर कर दो, जॉब अपडेट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, AI टूल्स रिलेटेड एंड और बहुत सारे हैक्स जो हम बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इसकी बेस सैलरी है 30 लाख रुपीज़, रिलोकेशन और साइनिंग बोनस आपको मिलता है 3 लाख रुपये का, एंड स्टॉक बोनस और बोनस सारा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं होता है। बट या दिस इज द होल सीन। तो जो मिनिमम टोटल कॉम्पनसेशन आ जाती है वो 35 लाख्स तक आ जाती है, ये मतलब बढ़ सकते हैं इजिली 40-45 तक जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बोनस एंड स्टॉक्स विच यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। बट या दिस इज द रेंज। नेक्स्ट कंपनी इज Salesforce, फिफ्थ कंपनी Salesforce। Salesforce इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क एट। बेस सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाती है 17 लाख रुपीज की, परफॉर्मेंस बोनस वही 10%
तक मिलता है 0-10%। इसके साथ आपको साइनिंग बोनस मिल जाता है 4 लाख रुपए का। स्टॉक्स मिलते हैं आपको $25,000 के, पहले ये कम मिलते थे, अब थोड़े से इन्होंने बढ़ा दिए, तो यू गेट $25,000 के, दैट कम्स आउट टू बी लाइक 20 लाख रुपीज। ठीक है, ये वही 25% में हो रहे होते हैं, तो एक साल में आपको 5 लाख रुपए के RSUs मिल रहे होते हैं। तो जो टोटल फर्स्ट ईयर का कॉम्पेंसेशन निकल के आता है 27.5 के आसपास आता है। एंड या यहाँ पे भी प्रमोशन काफी ज्यादा जल्दी होते हैं, मतलब आई हैव अ फ्रेंड लाइक शी गॉट प्रमोटेड इन जस्ट 1 ईयर टू MTS, दिस इज AMTS प्रोफाइल। इसके बाद MTS होता है, MTS की सैलरी जो बेस सैलरी होती है 25-30 की रेंज में जाती है। सो अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो प्रमोशन भी जल्दी मिल सकता है, ऐसे कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है। सो या दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट 6 कंपनीज Adobe, Adobe के 2 जगह ऑफिस हैं, वन इज इन बैंगलोर, द अदर वन इज इन नोएडा। एंड यहाँ पे जो बेस सैलरी आपको मिलती है इज अराउंड 18 लाख रुपीज इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे जो आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं 23 लाख्स के अराउंड मिल रहे होते हैं। ठीक है, एंड वही 25% आपके वेस्ट होते हैं। अब फर्स्ट ईयर के बाद क्वार्टरली वेस्ट होने लग जाते हैं, 6.25% हर क्वार्टर वेस्ट होते हैं। स्टार्टिंग में इट विल बी लाइक 25% आफ्टर द फर्स्ट ईयर। इसके साथ आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है एंड उसके बाद रिटेंशन बोनस भी मिल रहा होता है। दोनों की वैल्यू है 3 लाख रुपीज फर्स्ट मंथ में एंड 13th मंथ में। जो फर्स्ट ईयर की टोटल सैलरी आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी 27 लाख्स अराउंड। एंड यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज होती है, दैट इज ESPP एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। वहाँ पे आपको डिस्काउंट में स्टॉक्स मिल जाते हैं एंड डिस्काउंट भी जो डिस्काउंटेड भी प्राइस होता है ना वो भी लोएस्ट पे डिस्काउंट लग रहा होता है कि लास्ट एक टाइम पीरियड में जो भी लोएस्ट टच किया होगा आपके स्टॉक ने Adobe के ज्वाइन करने के बाद उस पर आपको 1% डिस्काउंट मिल रहा होता है एंड उसके बाद जो होता है उस प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो अगर आपने कभी ज्वाइन किया एंड बीच में स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो बहुत मतलब डबल ट्रिपल 300x तक भी प्रॉफिट हो जाता है ESPP पे। सो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। द 7th कंपनी इज media.net। जनरली media.net, Zeta, डायरेक्टा है, सबका कॉम्पनसेशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है एंड इनको आप MNC स्टार्टअप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने इसको MNC वाली कैटेगरी में डाला हुआ बिकॉज ये बहुत टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड लाइक इट्स नॉट अ स्टार्टअप as such anymore। टोटल CTC होता है अराउंड 39 लाख रुपीज है। बेस सैलरी मिलती है 18 लाख रुपीज, ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 4 लाख रुपीज, एडिशनल एक बोनस टाइप का मिल रहा होता है आपको 16 लाख रुपीज, दैट इज डिवाइडेड इनटू 25%, मतलब वही आपके स्टॉक्स की जगह आपको बोनस टाइप दे रहे होते हैं 4 लाख रुपीज पर ईयर एंड 1 लाख रुपए आपको रिलोकेशन बोनस मिल रहा होता है। तो फर्स्ट ईयर की जो टोटल कॉम्पनसेशन आती है वो 27 लाख के आसपास आती है। अब तक आपने देखा होगा जनरली जितनी भी ये टॉप टेक कंपनी है सबकी कॉम्पनसेशन ऑलमोस्ट सेम ही रेंज करती है, सब वो 25 से 35 वाली रेंज में होता है। स्प्रिंकलर इज अ स्टार्टअप बट मतलब अब वो MNC कंसिडर करो, बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं एंड काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग मतलब उनका कॉम्पनसेशन सबसे ज़्यादा है एंड बाकी सबका इसी रेंज में। नेक्स्ट एंड 8th कंपनी इज Intuit। Intuit की सैलरी इज 19.5 लाख, बेस सैलरी 19.5 लाख रुपीज है। साइनिंग बोनस आपको मिलता है 3.5 लाख रुपए का। यहाँ पे आपको कोई भी रिलोकेशन बोनस आज सच नहीं मिल रहा होता। स्टॉक्स आपको मिल रहे होते हैं 21,000 USD के, दैट आर ऑल्सो वेस्टेन इन 25, 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
दैट कैन बी अराउंड 1.95 लाख रुपीस के आसपास, जो टोटल कॉम्पेंसेशन फर्स्ट ईयर के निकल के आती है, दैट इज अराउंड 29 लाख रुपीस। सो इट इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव ऑफर एंड काफी अच्छी कंपनी भी है। एंड द नाइन्थ कंपनी इज डीई शॉ। डीई शॉ के बारे में शायद काफी ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, बट काफी अच्छी कंपनी है। बट वही है कि काफी स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं अपने अंदर, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं जो और लोग कंपनी के अंदर ही यूज करेंगे, किसी लार्ज टेक पे काम नहीं कर रहे होते हैं। अब ये बेस सैलरी भी ना काफी ज्यादा वेरी करती है, आईआईटीज में और ज्यादा होता है। अगर आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे चले जाए, आपके साथ पास कंपीटिंग ऑफर है, तो और बढ़ा देते हैं। मतलब मेरे दोस्तों के साथ हुआ था जब उन्होंने ज्वाइन किया था, बट एट दैट टाइम 24 वॉज द हाईएस्ट, 18 बेस मिलता था पहले। बट या ये काफी ज्यादा वेरी करता है, तो दैट कैन बी अप टू 30 लाख रुपीज ऑल्सो। सो वो रेंज काफी ज्यादा वेरी करती है। अगर आपके पास एक और ऑफर है तो आप इंक्रीज करवा सकते हो इसे। रिलोकेशन बोनस दे देते हैं 1.25 लाख रुपीज का। साइनिंग बोनस मिलते हैं आपको 3 लाख रुपए का। उसके बाद स्टॉक बोनस टाइप आपको मिल रहा होता है 20 लाख रुपीज का, लाइक डिवाइडेड बाय 4, चार साल में आपको पूरा हो रहा होता है ये। एंड इसके बाद बोनस भी आपको मिल रहा होता है 4 to 6 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। एंड फाइनली जो टोटल सीटीसी बन के आता है फर्स्ट ईयर का इज अराउंड 37 लाख रुपीज। सो दिस इज वन ऑफ द टॉप पेइंग कंपनीज इन दिस सेगमेंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है एप्पल। एप्पल की जो बेस सैलरी है दैट इज 17 लाख रुपीज। आपको रिलोकेशन बोनस 2 लाख रुपए का मिल जाता है। स्टॉक्स आपको मिल रहे होते हैं अराउंड 60,000 यूएसडी के, मतलब 58,800 यूएसडी के। तो टोटल जो कॉम्पनसेशन फर्स्ट ईयर की बन के आती है दैट इज अराउंड 13.5 लाख रुपीज। एंड या दिस इज द होल सीन। यहाँ पे भी 4 ईयर्स में डिवाइड होते हैं आपके आरएसयूज। सो दीज वर द टॉप 10 टेक कंपनीज। इसके अलावा शायद और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ बोनस HFTs हैं जो क्वांट रोल और डेवलपर रोल के लिए हायर करती हैं। नंबर वन इज NK सिक्योरिटीज। यहाँ पे आपको इंडिया में 1.6
8 CR का पैकेज मिल रहा होता है, 1.68 CR। नेक्स्ट इन ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन भी बस मतलब मोस्टली IITs में जाती है, उनका भी जो टोटल CTC फर्स्ट ईयर का आता है दैट इज अराउंड 1.2 करोड़। नेक्स्ट इज क्वाड आई का भी सिमिलर है, 1.2 करोड़ के आसपास टोटल लाइक CTC कंपनसेशन आता है। यहाँ पे मोस्टली बेस सैलरी प्लस बोनस ही होता है इनका, कुछ थर्ड और कुछ यहाँ पे RSUs वगैरह नहीं मिल रहे होते आपको। बोनस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, बिकॉज जैसा आप काम करते हो जितना प्रॉफिट लाके देते हो उस प्रॉफिट का कुछ आपको शेयर मिल रहा होता है, कुछ परसेंट। सो इसलिए यहाँ पे मतलब बोनस बहुत मोटे होते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा ग्रिप का भी अराउंड 1 करोड़ प्लस चला जाता है। नेक्स्ट इज एज फोकस पार्टनर्स, इसका तो मैंने भी नाम नहीं सुना होता, बट इसकी कॉम्पनसेशन इज ऑल्सो अराउंड 1 CR। सो ये बेसिक कुछ HFTs का एक्स्ट्रा बोनस मैंने बता दिया। जनरली ये ऑफ कैंपस कम हायर कर रहे होते हैं, अगर आपको HFTs में जाना हो तो आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है, एंड उसके लिए आपको पहले थोड़े स्मॉल स्केल HFT से स्टार्ट करना पड़ता है। ST एडवाइजर इज वन ऑफ देम, प्लूटस करके एक और कंपनी है, वो एक और है। सो ये छोटे छोटे HFTs में अगर आप काम करोगे, छोटे एज इन लाइक न्यूली स्टार्टेड HFTs, पैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कमा भी रहे होते हैं ये लोग। सो दिस वॉज द होल वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, स्टार्टअप लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर हाईएस्ट पेइंग स्टार्टअप से वीडियो चाहिए तो। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।